बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिश पूरी करे और आपको तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही ख़ास मसले के ऊपर है जो कि अमूमन हर इंसान के साथ ये वाक़या पेश आता है या आ सकता है या आ चुका होगा, यानी कि कोई भी चीज़ किसी की चोरी हो जाना, तो उसके मामले में अगर आपकी चीज़ चोरी हो जाए तो उसका हम कैसे पता लगाएं कि किस शख्स ने वो चीज़ चुराई है, या खुद ही कहीं आगे पीछे हो गई है, या आप खुद ही रख कर कहीं भूल गए हैं, तो इसके बारे में मालूमात कैसे हासिल करें। दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। बिला वजह किसी पर शक करना ये अच्छी बात नहीं है और किसी के ऊपर शक करने से वैसे ही परहेज करना चाहिए। दोस्तों, जो कोई इस मसले का शिकार हो चुका है या अल्लाह ना करे किसी को ऐसा मसला पेश आए, तो उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्ब वजीफ़ा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस वजीफ़े को करें और कोशिश करें जब आपको मालूम भी हो जाए कि ये किसने काम किया है, ये चोरी किसने की है, तो उसको प्यार से किसी तरीके के साथ पूछें और उसका राज ही रखें, किसी को ना बताएं, यानी कि उसका कोई भी तमाशा बनाने की कोशिश ना करें। इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और वो इंसान भी शायद आपके इस रवैये की वजह से दोबारा ऐसा काम करने से तौबा कर ले। तो दोस्तों, जो अमल आपने पढ़ना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। या अलीमु, या बसीरु, या खबीरु, ये वजीफ़ा आपने हर रोज़ इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 3125 मरतबा पढ़ कर सोना है। इंशाल्लाह ताला आपकी ख्वाब में आपको वो बंदा नज़र आ जाएगा जिसका ये काम है, या आपको उसका नाम बता दिया जाएगा या उसका हुलिया बता दिया जाएगा। यकीन कामिल रखकर ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। जब तक आपको पता ना चले यानी कि जवाब ना मिले, तब तक ये वजीफ़ा आप ना छोड़ें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।